इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रभु तात श्री सुमंत जी से बोले, तात रथ के चिन्ह को मारकर रथ आगे बढ़ाइए। माँ प्रभु लक्ष्मण जी निषाद, काका श्री सुमंत जी महाराज प्रभु बोले काका जी से, आगे चलिए। माँ प्रभु लक्ष्मण जी काका श्री सुमंत जी रथ के चिन्ह को मारते हुए गंगा जी की ओर चले। परमात्मा सिंहवेरपुर आए, गंगा जी का दर्शन हुआ, प्रभु ने वंदन किया है। उतरे राम देव सर देखी, कीन दंडवत हर्ष विसेखी। आप भी मानसिक रूप से गंगा जी के तट पर बैठे हैं, इसलिए जय जयकार करिए। बोलिए गंगा मैया की। जो जन पर्यंत दूर कोई बैठा हो, जो जन पर्यंत 12 किलोमीटर दूर भी बैठा हो, केवल गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया कहकर जय जयकार कर दे, उसके सारे पाप भाग जाते। क्यों? क्योंकि गंगा सकल मोदर मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब शोला, सब सुख करनी हरनी सब शोला, सब सुख करनी हरनी सब शोला, सब सुख अब देखिए पंक्ति क्या अद्भुत है। गंगा जी सारी सुखों की मूल हैं, आनंद कल्याण की उपजाने वाली है, सारे जीवन के दुख दर्द को हरने वाली है, मंगल के मूल सुख करने वाली है। अब इतनी महिमा गंगा मैया की है, जो गंगा मैया के तट पे रहता है वो तीर्थ में रहता है। आप सब लोग तो गंगा जी के तट पे रहते हैं, तो तीर्थ में ही रहते हैं। कितने भाग्यशाली हैं आप, कोलकाता निवासी हैं, अपना सौभाग्य सराहना चाहिए ना। आते जी गंगा जी का दर्शन हो, जाते जी गंगा जी का दर्शन हो, कितने बड़े भाग्यशाली, कितना सौभाग्य है हमारा। अब जब जब दर्शन हो तब तब जय जयकार करके प्रणाम अवश्य करना चाहिए। बोले गंगा मैया की जय हो, अवश्य करना चाहिए, प्रणाम तो करना ही चाहिए, इससे पुण्यवर्धन होता है। मित्रों माताओं, गंगा मैया राम भक्ति है। सरस्वती जी ब्रह्म स्वरूप है, यमुना मैया कर्म नदी है। ये राम कथा में ये तीनों नदियां उपस्थित हैं। राम भगति जहां सुर सरी धारा,
सरसई ब्रह्म विचार प्रचार विधि निषेधमय कलिमल हर करम कथार भी करम कथा सूर्य तनया यमुना मैया करम कथा है इसलिए श्याम स्वरूप है उनका गंगा मैया का श्वेत स्वरूप है देखत श्यामल धवल हलोरे अरे भरत जी हाथ जोड़कर विनती करते हैं त्रिवेणी जी से हा भगवान सिंहवीरपुर में प्रवेश किए सीमारेखा में निषाद जी को पता चला उन्होंने आकर सुंदर स्वागत किया रात्रि विश्राम प्रभात बेला में प्रभु ने बटका दूध मंगाकर जटाजूट संहारा है माँ ने सहज श्रृंगार किया फिर काका श्री सुमंत जी को प्रभु ने विदा किया सुमंत जी ने बड़ा आग्रह किया देखो आप किसी की बात सुन लेनी चाहिए धर्म संबत न हो तो कदापि नहीं मानना चाहिए चाहे जो हो बात धर्म संबत हो तभी माननी जाए इंद्र का पद भी इंद्र का वैकुंठ इंद्र का देवलोक भी प्राप्त हो रहा हो और कुमार्ग पर चलना पड़े उस पथ पर कदापि गति नहीं करना चाहिए क्यों अरे भाई इंद्र का लोक तो आप देवलोक दे देंगे परंतु जो कुमार्ग पर गति हो रहा है इसका हिसाब कैसे होगा कर्म का फल अकेले भोगना होता है इसलिए कर्मों को बिगाड़ने से सदैव सावधान रहना चाहिए चाह कर नहीं मैं एक बात निवेदन करता हूं कठोर है बुरा लगता है लोगों को लगे तो लगे अब क्या करें जो बात है तो है मानस का वर्णन है तो इसमें कहना ही पड़ता है देखो किसी भी प्रकार कैसे भी नहीं पौरुष से बुद्धिपूर्वक नहीं शक्ति संपन्नता के कारण प्रताप से परमात्मा ने बाली को समाप्त किया सुग्रीव को राज दे दिया रावण को समाप्त किया विभीषण को राज दे दिया अंगद जी को युवराज पद पर बिठा दिया परंतु स्वप्न में भी मेरे सरकार ने यह विचार नहीं किया कि इन दोनों पुरियों इन दोनों नगरों की राज सत्ता मेरे हाथ में बनी रहे क्यों परमात्मा धर्म से राई बराबर सूत बराबर हिलते नहीं राम जी का जीवन धर्म जीवन है राम जी का जीवन सत्य जीवन है राम जी पुरुष नहीं है पुरुषोत्तम है अपनी पुरुषोत्तमता सहज बनी रहे कब जब हम धर्म में जिएंगे अधर्म के पथ पर एक पग भी हम चले तो टिप्पणी होगी अरे भाई कहते तो बहुत हैं लेकिन आप जरा झांक कर देखिए ना अधर्म ने किसी को सुखी नहीं रखा और धर्म ने किसी को दुखी नहीं होने दिया इसलिए हम सभी भक्तों को धर्म पथ पर चलना चाहिए चाहे जो परिस्थिति हो धर्म पथ पर अधर्म का साथ नहीं करना यतो धर्मस्ततो जयः जहां धर्म है वही जय है जहां सूर्य भगवान है वही दिन है जहां सूर्य भगवान नहीं है वहां रात है इसलिए धर्म का पालन करना मेरे राम जी ने क्यों नहीं राज लिया निषाद जी भी दे रहे थे प्रभु सब आपका है बोले नहीं नहीं सब आप मेरे सखा है आप समारो बाली राजा थे चले गए राम जी का है सब कुछ कंधा पूरा शमुक राम जी का है स्वर्णमयी लंका राम जी की है
अरे पहले ही दे चुके प्रभु। क्यों? सुख, सुख चाहिए तो अपने पौरुष से जो प्राप्त होगा वही हमको सुखी रख सकता है। छीन झपट्टा करके जो हम लेते हैं वो सुख नहीं बढ़ाएगा, वो विपत्ति बढ़ाएगा। इसलिए कदापि नहीं लेना, चेता कर नहीं लेना, ठग कर नहीं लेना, भाज दे कर नहीं लेना। दुखी होने का यही मंत्र है, तो दुखी होने से बचा जा, हमारा ही हमको सुखी रखेगा। अभी मुंबई में एक हमारे बच्चे ने कहा, गुरुजी आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, मैंने अपने ससुराल की संपत्ति छोड़ दी। हमने कहा चुप 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 रहो, दोबारा बोलना नहीं। हम कहते हैं वो बोलो, गुरुजी मेरे ससुराल में तो जो कुछ है सब मेरे ससुर और सास जी का है, तुमने छोड़ा कब? जब अपना मान लिया। अरे भाई जब तुम्हारा था ही नहीं तो तुमने छोड़ा क्या? यार आप अपनी निंदा को भी प्रशंसा में बोल लेते हो है? अब हम 9 दिन कथा करने आए हैं, हम कहें हमने तो व्यासपीठ के साथ ये पूरा मंच का तखत भी छोड़ दिया। अरे तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारी तो केवल व्यासपीठ है भैया, इस पर वो भी 9 दिन है, 9 दिन बाद ये चली जाएगी अपने स्थान पर, ये तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी ठठरी तो है नहीं अपनी, है क्या? बोलिए। यही नहीं बुरा लगेगा आपको, कई लोग दूसरे के मकान में किराएदार रहते हैं, बाद में मालिक बन के कब्जा कर लेते हैं, और फिर 15 साल बाद अस्पताल में जितना मकान मालिक का धन है उतना दवा में खर्च कर डालते हैं। ये कभी करना नहीं, जो तुम्हारी नहीं है उसको अपना मानकर व्यवहार करना नहीं। भगवान ने उतरकर अयोध्या में क्या कहा? तुम कुबेर पही जाओ। भगवान ने पुष्पक यान से कहा कि अब आप कुबेर जी के यहां पास जाइए। चले तो गए लेकिन हृदय में पीड़ा रही कि परमात्मा ने मुझे क्यों भेज दिया। परमात्मा ने नहीं भेजा, रघु जी महाराज ने वह पुष्पक यान कुबेर जी को भेंट कर रखा था। तो पुष्पक यान किसके हुए? अब तो कुबेर जी के हुए, इसलिए तुम कुबेर पहीं जाओ। हम हमारे पौरुष से, हमारे दम पर, हमारे कर्मठ भाव से जो अर्जित करते हैं वही हमको सुखी रखता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।